नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। और ये 2020 की मेरी पहली सब्जेक्ट पर वीडियोज है। हालांकि एक वीडियो तो मैंने कल रात को दिया था, तो जस्ट मैसेज था एंड विशिंग था। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे एक यूट्यूबर के कमेंट्स पे। जैसे कि हमने बताया था कि मैं कमेंट्स पे आपके क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो जरूर बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पहला कमेंट है मोहम्मद आमिर का, जिन्होंने सबसे पहले तो गुड इवनिंग सर बोला है। सर गुड इवनिंग तो नहीं, सर गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से आपके लिए। और उन्हें क्वेश्चन बोला है कि सेल्स के इमेज को रो में एक साथ कैसे डिलीट करें। तो मोहम्मद आमिर जी, जैसे मैं समझ पा रहा हूं कि आपके पास जो है सेल्स में कई सारे इमेज होंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए, कोई भी इमेज कोई पर्टिकुलर सेल्स के अंदर नहीं होता है। सेल्स किसी भी तरह का इमेज को कैरी नहीं करता है, चाहे किसी भी तरह का आपके जो ये होते हैं सैप्स होते हैं उसको कैरी नहीं करता है। सबसे पहले चीज जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमने इमेज बनाया है, तो इमेज ही समझिए है, तो सैप्स वगैरह एक इमेज समझ लीजिए, क्योंकि सैप और इमेज का दोनों का सेम प्रॉपर्टी होता है। इसको मैं छोटा करके, मान लीजिए मैंने इस सेल्स के अंदर रख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इसको यहां से, क्योंकि ये सेल्स के ऊपर रखा हुआ है लेकिन सेल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि सेल्स सिर्फ डेटा को कैरी करता है, न्यूमेरिकल कैरेक्टर ऐसे डेटा या फॉर्मूला को कैरी करता है, किसी ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करता है। बट मेरे पास कई सारे डिलीट करना तो है, क्योंकि अगर तो सिस्टम में बात हो गई कि हाँ मुझे एक साथ कई सारे सेल्स को डिलीट करना है, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि शिफ्ट के या कंट्रोल के साथ आप सबको सेलेक्ट कर लें और फिर डिलीट कर लें। या फिर दूसरा तरीका है कि यहाँ होम मेनू बार के अंदर आप पहले एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। होम मेनू बार के अंदर आपके यहाँ पे फाइन एंड सेलेक्ट में यहाँ पे दिखेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। स्लग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या है कि जितना एरिया है उतना आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो छोटी छोटी इमेज हुए तो दिक्कत हो जाता है सेलेक्ट करना। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें होम मेनू बार में आपको और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाते हैं, तो एक आपको माउस पॉइंट दे देता है, आप अपने ऑब्जेक्ट को जैसे सेलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को ही हटा कर डिलीट करना है, सेलेक्ट करके कोई शीट की पूरी ऑब्जेक्ट को, तो यहां पे आए और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ओके करें तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तब मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा और कॉपी करके मैं इसको नीचे रख देता हूँ। तो अगर मैं कहीं पे सिलेक्ट नहीं किया, गो टू स्पेशल में ऑब्जेक्ट करता हूँ, तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखना है कि क्या मैं एक सिलेक्शन एक एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसमें मैं जाता हूँ गो टू स्पेशल और यहाँ ऑब्जेक्ट को जाता हूँ सिलेक्ट करके एंड ओके करता हूँ, फिर ये पूरा सीट के ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आप डिलीट कर दीजिए। ये आपके क्वेश्चन के ऊपर मेरा ये आंसर था मिस्टर मोहम्मद आमिर जी। अब मुझे आशा है कि आपको ये यूजफुल होगा आपके लिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे देगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्काइप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरी लाइव क्लासेस में ज्वाइन करके एज ए डेमो ले सकते हैं। जी हम लोग ऑनलाइन डेमो क्लासेस भी देते हैं, मतलब एक ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती है, उसकी आप 2-3 दिन की डेमो क्लास ले सकते हैं। तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, डेमो क्लास का फॉर्म भर दें, 1-2 दिन डेमो क्लासेस लें, अगर ठीक लगा तो कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, या फिर मेरा रिकॉर्डेड पेन ड्राइव भी परचेज कर सकते हैं। तो मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए iptindia.com।